हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी के? तो ठीक ही रहना चाहिए, बीमार मत होना, क्योंकि आगे जो कंटेंट आप देखने वाले हो ना, हो सकता है कि आप बीमार हो जाओ। तो आप सोच रहे होंगे कि इस बार वीडियो का इंट्रो किया नहीं, कहीं और ही ले गया वीडियो को। तो भाई, KTM वालों ने अपनी बाइक का डिज़ाइन कहीं का कहीं पहुँचा दिया, तो हमारा भी तो थोड़ा चेंज होना ही चाहिए। चलो आप लोगों के लिए इंट्रो कर ही देते हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, शुभ आदित्य मच में यूट्यूब चैनल मोटरप्रेनर आदित्य। जैसा कि आप सभी को पता है कि KTM RC का 2021 मॉडल इंडिया में पुणे में स्पॉट किया गया, तो जिसकी काफी ज्यादा फोटोज वायरल हो रही हैं। इससे पहले यूरोपियन कंट्रीज में वो स्पॉट की गई थी। वाह KTM वाह, मौज करती पूरी बाइक की। अब गाली भी नहीं दे सकता आपको, माँ बहन एक कर दिया आपने बाइक की। वो फोटोज वायरल हो रहे हैं इस वक्त KTM RC 2021 के, तो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। और मेरे को लगता है इस बार KTM वालों ने अपने डिज़ाइनर को ना पैसे कम दिए हैं, इस करके उसने ऐसा डिज़ाइन निकाल दिया। वो मानना कि ड्यूक की हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये थोड़ी ना आप उसको उठा के RC पे लगा दो। RC की अपने जगह सही है और ड्यूक की अपनी जगह सही है। तो उन्होंने क्या किया, ड्यूक की हेडलाइट उठा के डाल दी RC के अंदर, और पूरा आगे वाला फ्रंट ही पूरा, क्या कहूँ मैं आपको, आप पिक्चर्स में देख ही सकते हैं, पूरा मतलब कि बाइक की MDL लगा ली। आप फ्रंट वाला तो डिज़ाइन बिल्कुल ही बेकार है। हाँ, बुराई तो काफ़ी ज़्यादा कर लिया, अच्छाई भी करते हैं बाइक की, तो पीछे से डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो पिक्चर्स में देखने को आ रहा है, जैसे कि मेरी वाली RC है, उसमें जो सीट है तो वो भी स्प्लिट सीट है, पर उसमें जब आप बैठोगे, क्योंकि उसमें ग्रैब रेल कुछ पकड़ने के लिए है नहीं, तो जैसे ब्रेक मारोगे तो जो आपका पिलियन राइडर होगा वो सीधा आगे आ जाएगा, आपके ऊपर गिरेगा। तो वो थोड़ी मेरे को लग रहा है उन्होंने सीट थोड़ी इम्प्रूव की है, कि ग्रैब रेल दिए गए हैं दो, क्योंकि RC में एक भी नहीं है, एक है साइड पे छोटा सा, उस पर पकड़ा नहीं जाता, पर इसमें आपको पीछे दी गई है दो, और आपको पीछे भी LED टेल लैंप मिल जाता है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट तो भाई बिल्कुल ही बेकार करती है। उन्होंने सोचा कि हम इसको ड्यूक वाला डिज़ाइन दे थोड़ा फ्रंट से, उसके कारण जो फ्रंट में डिज़ाइन है वो मेरे को नहीं लगता कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। अब ग्राफिक्स इस पे कैसे आते हैं वो तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि अभी जो बाइक वायरल हो रही है वो पूरी मैट ब्लैक कलर की है। अब ग्राफिक्स इस बाइक के क्या आएंगे वो तो अभी हमें भी नहीं पता, वो तो जब बाइक आएगी फिर ही पता चलेगा। पर हाँ, जहाँ हम इसकी बुराई कर रहे हैं डिज़ाइन के बारे में, पर परफॉर्मेंस वाइज ये बाइक हो सकता है कि ज़्यादा पावरफुल हो एज़ कम्पेयर टू RC प्रीवियस वाली RC 390, क्योंकि KTM का क्या था कि पहले ये RC 390 के मॉडल्स निकालते थे, पर उसमें ज़्यादा कुछ एज मच डिफरेंस होता नहीं था, सिर्फ उसमें जो ग्राफिक्स है वो चेंज होते थे और कुछ डिफरेंस नहीं होता। पर इस बार इन्होंने थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लगाया, नया डिज़ाइन निकाला, जो उसका डिस्क का डिज़ाइन है वो भी बिल्कुल अलग है, और जो उसके अलॉयज़ हैं, ध्यान से देखो, ये देखो अलॉयज़, ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। इसका एग्जॉस्ट है वो भी बिल्कुल डिफरेंट एज कम्पेयर टू मेरी वाली बाइक है। तो हो सकता है इससे इन्होंने वेट थोड़ा बाइक का शेड किया हो, जिसके कारण बाइक की पिकअप ज़्यादा हो गई हो, परफॉर्मेंस बढ़ गई हो। अभी तो हम भी डिस्कस ही कर सकते हैं, एस्टिमेट ही लगा सकते हैं, प्रॉपर हम भी नहीं कह सकते। जब तक प्रॉपर बाइक मार्केट में नहीं आएगी उस वक्त तक हम भी कुछ नहीं कर सकते, पर बड़ी जल्दी हो सकता है कि इस साल के एंड तक ये बाइक लॉन्च हो जाए इंडियन मार्केट में। अब आप ही मेरे को बताओ कि आप क्या ये वाली बाइक लोगे या नहीं लोगे, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और इसका डिज़ाइन के बारे में बता देना। पर थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन, अभी तो हमने भी प्लेन पिक्चर्स देखे हैं, फ्रंट से हेडलाइट जलता हुआ नहीं देखा, तो जब वो देखेंगे हो सकता है कि ज़्यादा सही लगे। फ्रंट में आपको DRLs मिल जाएंगे, जैसा कि ड्यूक में आता, वो सेम ड्यूक वाली हेडलाइट लगा लो आप, सेम वैसी है, बाकी अब जब आएगी तब देखेंगे। और हाँ, अगर हम फ्रंट से देखें तो जो मिरर्स के ऊपर इंडिकेटर्स है, जैसे मेरी बाइक पे मिरर्स पे इंडिकेटर्स हैं, तो इस वाली नई वाली बाइक पे बिल्कुल वो मिसिंग है। हो सकता है कि इन्होंने लाइट में इंडिकेटर्स दे दिए हों, अब तो वो तो हमें भी नहीं पता, पर जैसा तो देख पिक्चर्स में देखने को मिल रहा है वो है कि जो मिरर्स हैं उन पे जो इंडिकेटर्स हैं वो मिसिंग है। और जो इसकी फेयरिंग है, साइड की फेयरिंग, वो भी पूरी रीडिज़ाइन है, हमारी वाली RC के साथ मेल नहीं खाती। और जो इसका ट्रेलिस फ्रेम है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। मेजर मिसिंग लग रहा बाइक में वो है KTM का सिग्नेचर कलर ऑरेंज। ऑरेंज मेरे को बाइक में बिल्कुल कम दिख रहा है। अलॉयज भी इसके प्लेन है, क्योंकि अभी वाली जो BS6 RC 390 आ रही है उसमें भी जो अलॉयज हैं वो ब्लैक कलर के हैं, और इसमें भी अलॉयज ब्लैक कलर के लग रहे हैं, और ऑरेंज कलर कुछ ज़्यादा दिख रहा नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि KTM का सिग्नेचर कलर है ऑरेंज, और दूर से स्पॉट हो जाता है कि KTM बाइक आ रही है। तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि जो मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी वो ये है कि जो इसमें टायर्स हैं वो आपको मैट जेलर वापस आ गए हैं KTM में, तो जैसे मेरी वाली बाइक के साथ मैट जेलर आते थे, तो जो अभी की बाइक्स आ रही हैं BS6 वो मैट जेलर के साथ ही, वो MRF के टायर्स आ रहे हैं जो बेसिक से हैं, और पर इसमें जो टायर देखने को मिल रहा है वो मैट जेलर है, क्योंकि पीछे जो बाइक्स का कोरोना की वजह से टायर्स का इम्पोर्ट है जो,
वो बंद हो गया था होना, तो इस करके MRF के टायर आ रहे हैं। तो अब फाइनली KTM RC 390 पे प्रीमियम टायर्स आ गए हैं मैटजेलर, तो मैटजेलर आपको उसमें देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात। तो टायर का साइज़ वही रहने वाला है, अगला 110 सेगमेंट का और पिछला 150 सेगमेंट है जो। और इसमें आपको ट्रांसपेरेंट बबल वाइजर देखने को मिलेगा, जो कि हमारी वाली RC से ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा बड़ा है, जिससे विंड ब्लास्ट कम हो जाएगा, जो बाइक की हेडलाइट को पूरा कवर करेगा, और बड़ी विंड स्क्रीन है एज कम्पेयर टू माई RC 390। तो एक नज़र में देखने को दिख रहा कि जो इस बाइक का जो नई वाली RC 390 है, इसका जो राइडिंग पोजीशन है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है एज़ कम्पेयर टू अवर बाइक। तो हो सकता है कि कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर आपको मिले इस नई वाली RC 390 पे। तो इंजन की बात करें तो इंजन वही रहने वाला है 373 cc का इंजन। तो अगले फीचर की बात की जाए तो इसमें आपको TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जैसा ड्यूक 390 में आता है TFT डिस्प्ले, वैसे ही आपको इसमें TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें काफी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलने वाला है। और इसमें आपको मोस्ट प्रॉब्ली की 3 राइडिंग मोड्स मिले और ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें आपको मिल सकता है, और डे एंड नाइट ग्राफिक्स मिल सकते हैं, जैसा कि ड्यूक 390 में आता है। जो नए फीचर्स हैं वो है कि इसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स मिल सकते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल सकता है। अब मेन बात कि ये बाइक मार्केट में कौन सी प्राइस रेंज पे लॉन्च होगी। तो करंटली जो RC 390 का रेट चल रहा है वो चल रहा है हमारे जम्मू में 2.61 लाख एक्स शोरूम। अब ये बाइक का जो हवाओं में उड़ती उड़ती खबर है कि इसका एस्टिमेटेड एक्स शोरूम प्राइस होने वाला है 2.70 to 3 लाख के बीच। अब ये किस प्राइस रेंज में मार्केट में उतरेगी वो तो अभी पूरा कंफर्म नहीं है, ये भी एक्सपेक्टेड प्राइस है इसका, जो कि हवाओं में उड़ता उड़ता आ रहा है कि 2.70 से लेके 3 लाख रुपए तक ये प्राइस, ये बाइक मार्केट में आने वाली है। ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन इस बाइक के बारे में। मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मेरे को ये वाली जो नया वाला डिज़ाइन है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा लुक वाइज, पर प्रैक्टिकली हो सकता है कि ज़्यादा पावरफुल हो, पिछले जनरेशन RC 390 से ज़्यादा पावरफुल हो। वो तो जब ये मार्केट में आएगी इसकी टेस्ट राइड लेके सारा कुछ लेके वो तो तभी पता चलेगा, पर अभी मेरे को तो बिल्कुल भी बाइक डिज़ाइन है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, सीरियसली कह रहा हूँ बिल्कुल डिज़ाइन इसका अच्छा नहीं लगा। अब ये मार्केट में आएगी फिर पता चलेगा। तो बस यही था आज की वीडियो में। अब आप भी अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में डाल दो। तो करते हैं वीडियो आज का यहीं पे क्लोज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो यू नो दैट डी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइट हार्ट, राइट सेफ, राइट मोर, बाय बाय। और हाँ, अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो चुका होगा तो वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा आपका। या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम की ID स्क्रीन के नीचे आ रही होगी, तो वो मैं आपका वहाँ पे क्लियर कर दूंगा।